मुंबई के भांडुप में बाल दिवस पर नौनिहालों के बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन, मूल्यों के प्रति प्रेरित करने का दिया संदेश। मुंबई गामदेवी में फ्यूचर ऑफ भारत पर सेमिनार का आयोजन, पारसी समूह के लोग हुए शामिल। धौलपुर में व्यापारियों के लिए व्यावसायिक उन्नति, तनाव एवं भयमुक्त जीवन सम्मेलन का आयोजन, विशेषज्ञों ने बताए उपाय। झाबुआ में संगीतमय शिविर का आयोजन, शहर के उमड़े सैकड़ों लोग। और नेपाल के बुटवल में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन, आंतरिक बदलाव के लिए प्रशिक्षण, बड़ी संख्या में लोग शामिल। अब खबरें विस्तार से। सैन फ्रांसिस्को में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। यह सम्मान सैन फ्रांसिस्को के बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर की ओर से दिया गया। समाज में सराहनीय कार्यों तथा शहर में मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान 9 नवंबर को आयोजित दिवाली समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के बीच कमेटी के हेड लंदन ब्रिट ने दिया। भारतीय संस्कृति और मूल्यों का लोहा अब पश्चिमी देशों के लोगों में भी साफ दिखने लगा है। यही वजह है कि राजयोग ध्यान के जरिए आंतरिक बदलाव की मुहिम में पश्चिमी देशों के लोग बड़ी संख्या में अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में लंबे समय से मूल्यों एवं बेहतर जीवन प्रणाली पर कार्य कर रही ब्रह्मा कुमारी संस्था की बीके हेमा तथा बीके सुकन्या के इस सराहनीय कार्य के लिए नवाजा गया। यह भारत तथा संस्थान के लिए गौरव का विषय है। दिवाली महोत्सव नामक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर की मुखिया लंदन ब्रीड ने कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और शहर में सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है। Push that positive energy my way, because you know how difficult of a position this is. And so I just really appreciate what you do, what you've done for me, what you've done for the community to bring people together, and what you continue to do to be a blessing to San Francisco. So on behalf of the city and county in San Francisco, it is truly my honor to present a certificate congratulating you for this Festival of the Lights and wishing you the very best. इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा तथा बीके सुकन्या ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी 3 दिवसीय दौरे पर कटक पहुंची। कटक में नवनिर्मित बाबा भवन, शिव संदेश भवन का उद्घाटन दादी सहित संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, धार्मिक प्रवाह के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, मुजफ्फरपुर की प्रभारी बीके रानी, कटक सब जोन की प्रभारी बीके कमलेश की उपस्थिति में हुआ। मौका तो था बाबा भवन और शिव संदेश भवन के उद्घाटन समारोह का। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भाई बहनों ने भी दादी और वरिष्ठ लोगों से ज्ञान की वर्षा लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कृपया आगे की पंक्ति में अपना स्थान ले लें। और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम भवन के उद्घाटन अवसर पर दादी समेत वरिष्ठ भाई बहनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से गए अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने अंतर मन में ज्ञान की ज्योति जगाने के उम्मीदों के साथ ज्ञान का श्रवण किया तथा परमात्म संग प्रीत लगाने का संकल्प भी। इस अवसर पर दादी ने कहा कि परमात्मा हमारा रक्षक है। जितना हम परमात्मा के संग का अनुभव करेंगे, उतना ही हमारे जिंदगी में मूल्यों और शक्तियों का संचार होगा। आत्मा को शक्तिशाली बना करके जीवन में परिवर्तन लाते जाएं, जिस परिवर्तन से हम सदा खुशियों में रह के सर्व को खुशियां देते रहें, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ
जिन्होंने इस मकान बनाने में मदद की है उन सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। भक्तों की बहुत चाह रही है आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भावनाएं रखने वाले भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए ये भवन का निर्माण हुआ है। खुशियों भरा हर पल, दुआओं भरी हो जिंदगी, खुशियों भरा हर पल, दामन भी छोटा रह जाए, ऐसा सुखमय हो आपका आने वाला हर कल, आने वाला हर कल। तो ये भवन बहुत विश्व की सेवा के लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा। दादी जी के कटक प्रवास के दौरान कटक सब जोन की 45 बहनों ने अपने जीवन को हमेशा के लिए परमात्मा शिव के विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहनों ने शपथ लेते हुए आजीवन मानवता की सेवा में अपना तन मन धन लगाने का संकल्प लिया। वैसे तो आजकल शादियों के कई तौर तरीके आपको देखने को मिल जाएंगे, परंतु एक ऐसा शादी जो शायद ही कभी कभार देखने को नसीब होती हो, कानों में झुमके माथे पे झूमर बनथन के बैठी है। जी हाँ, आजकल युवक युवतियाँ पश्चिमी देशों के प्रभाव में अपनी मूल संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। वहीं 45 युवा बहनों ने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आजीवन समाज सेवा में लगाने के लिए संकल्पबद्ध हो गई। सिर पर सजे ताज और पीताम्बरी वस्त्रों में जब बहनों का कारवां निकला तो पूरा माहौल भावपूर्ण हो गया। सामाजिक रस्मों और रिवाजों की सभी रिवाजें पूरी की गई। इस अवसर पर उनके माता पिता के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। समर्पण समारोह के अवसर पर दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये जीवन अमूल्य है, जिससे दूसरों की जिंदगी में हम श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, जीवन में वह ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त करके आप सब भी परमात्मा से अपने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कीजिए। ये मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इन बातों को धारण करके, बहनों से संपर्क रख करके अपनी जीवन भी ऐसी बनाकर स्वर्ग में चलने का अधिकार प्राप्त कर लेना। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिज मोहन तथा मुजफ्फरपुर की सब जोन प्रभारी बीके रानी समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए समर्पित बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अपनी भुजाएं बनाई थी और वो कौन थी? जिन आत्माओं को मैंने गोद में लिया था, जिनको मैंने मुख वंशावली सच्ची ब्राह्मणिया बनाया था, वो ब्राह्मणिया जो हैं वो सचमुच हर कल्प में, पहले भी 5000 वर्ष पहले बाबा ने पावन किया था और अब फिर सारे भारत को दुविधाओं से, इन सब से छुड़ाने के लिए बाबा ने ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र तथा शिखर फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस पर नौनिहालों के लिए चित्रकला तथा बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भिन्न भिन्न स्कूलों से करीब 100 बच्चों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को बीके लाजवंती, शिखर फाउंडेशन की ट्रस्टी प्रीति जैन, पत्रकार शशिधर नायर, वैशाली जैन समेत कई अतिथियों ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था गामदेवी सेवा केंद्र के द्वारा फ्यूचर ऑफ भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स के वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद ठाकर, व्यापारी इरुज सवाबला, सोशल सर्विस इवेंट के इंचार्ज रोशन मास्टर, व्यापारी पौरुष पटेल, मीडिया प्रवाह के राष्ट्रीय समन्वयक बीके आसपी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस सेमिनार में शहर के गणमान्य नागरिकों समेत पारसी समाज के लोग शामिल थे। कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक बीके आसपी ने कहा, परमात्मा अवतरण भूमि भारत फिर से विश्व का अग्रणी देश बन रहा है। भारत के उत्थान में पारसी समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवान कहता है बोझा सब मेरे को दे दो, आपके ऊपर दुख का बोझा है, धन का बोझा है, मतलब छोड़ दो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और फिगर से फारिग हो जाओ, तभी भगवान को आप पा सकोगे, समझ सकोगे और उसकी उसके जो वर्षा मिलता है, सुख और शांति का वर्षा जो मिलता है उनको पा सकते। Yes, but I have some desires to be linked with spirituality. And while scanning various channels, I heard something, and I observe 1 month in my year away from alcohol religiously. Not that I'm alcoholic. Not that I'm I pursue it in any unprofessional way. But there is a touch of alcohol. After listening to this lecture, I don't know what happened. Something has set in my mind so deeply that after that, my 1 month deadline is gone. I haven't seen it back. So I thank you very much. कार्यक्रम के दौरान व्यसन मुक्ति पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर कलाकारों ने इससे होने वाले नुकसान तथा उससे बचने के उपाय बताए। सारे अस्पताल मेरे हितों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। हे कूड़दानों, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुमराह रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। कार्यक्रम में गामदेवी की बीके नीहा, बीके आशा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि जो आध्यात्मिकता हमारे भारत की एक नींव है और थी, उसी आध्यात्मिकता के एसेंस को विदेश लेकर के वापिस और नए पैकेज में इंडिया में रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जागृति के लिए हम सभी को अपने भीतर के अंदर रही हुई शक्तियों को फिर से जागृत करना है। What Brahma Kumari is teaching us not about the religion. They only teaching you how to make your life easy, peaceful, purity. Purity is there in our Jonas and religion is also there. Understand? Purity, peaceful and happiness. If you can't do good to the thing, make the other people happy. If you are not happy, at least make other people happy, then you realize that what happiness he has got, you get it. Don't ask for return, and automatically you will get it. One more thing, that every day in the morning, remember the Creator. There is only one Creator. Irrespective of whatever you call, Dada, our mother, God, Allah, whatever it is there. ब्रह्मा कुमारी संस्था बाड़ी धौलपुर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग अभ्यास द्वारा व्यवसायिक उन्नति, तनाव एवं भयमुक्त जीवन विषय पर चिंतन शिविर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन व्यापार एवं उद्योग प्रवाह की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका, बीके धर्मिष्ठा, बीके राज सिंह समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यालय संयोजक बीके गीता ने कहा कि सफल व्यापारियों को स्वयं की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने और अपने व्यक्तित्व में सामंजस्य लाने की जरूरत है।
कार्यक्रम में गैंगसा संघ बाड़ी के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग और डॉक्टर दिनेश वंसल ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई। ब्रह्मा कुमारी संस्था झाबुआ सेवा केंद्र की ओर से पेटलावड़ में राजयोग शिविर आयोजित किया गया। संगीतमय राजयोग शिविर में गीतों के माध्यम से त्रिदिवसीय शिविर का उद्घाटन लायंस क्लब ऑफ पेटलावड़ के अध्यक्ष चिंतन मंडलोई, दैनिक भास्कर पेटलावड़ के प्रभारी मनोज जानी, समाजसेवी पारसमल कोटडिया, लायंस क्लब के सदस्य दीपेश छजलानी, गायक पीके अविनाश और झाबुआ सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने किया। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वैसे तो गीतों की संध्या और आयोजन होते ही हैं, परंतु यदि गीतों में ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति हो तो यह गीत नहीं बल्कि महासंगीत हो जाता है। इसी के तहत आयोजित कार्यक्रम में गीतों के साथ स्वयं दर्शन, परमात्मा दर्शन और स्वर्ग दर्शन के भी अनुभूति कराए गए। यही इस शिविर का उद्देश्य भी था और लक्ष्य भी। गायक बीके अविनाश ने संगीत के माध्यम से गीता के रहस्य और सार को स्पष्ट किया तथा झाबुआ सेवा केंद्र की बीके ज्योति ने कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा कुमारी संस्था के छतरपुर इंचार्ज बीके शैलजा को ईश्वरीय सेवा में अमूल्य योगदान देने के लिए सम्मान किया गया। ईश्वरीय सेवा में 40 साल पूरा होने पर बीके शैलजा को जिला कलेक्टर अनुज कुमार झा ने मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दीप जलाकर केक भी काटा गया। इस अवसर पर बीके शैलजा ने कलेक्टर झा को भी ईश्वरीय सौगात प्रदान किया। ब्रह्मा कुमारी मुंबई के मलाड सेवा केंद्र के द्वारा यातायात पीड़ितों के स्मृति के विश्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दोषी बस डिपो के कर्मचारियों के लिए डिपो के प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम रखा गया। ट्रैफिक अधिकारी ताई शेट्टी, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत डिपो के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र के द्वारा गहन योगानुभूति तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने एक भव्य समारोह के बीच ग्लोबल पीस पार्क एवं रिट्रीट सेंटर का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संस्था के बनारस सब जोन इंचार्ज बीके सुरेंद्र सहित शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। इसी अवसर पर संस्था से जुड़े भाई बहनों के लिए तपस्या शिविर का भी आयोजन किया गया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी या खबर हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है